तो आज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो की लेटेस्ट एपीएन सेटिंग के बारे में। अगर आप जियो का नेट यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है आपका नेट और आप परेशान हो चुके हैं कि भाई अब तो बेकार है जियो के सिम यूज करना, तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लीजिए और जो मैं सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ उन सेटिंग्स को अपने फ़ोन पर कर लीजिए, अपने जियो सिम पर। 100% आपकी जो जियो की इंटरनेट स्पीड होगी वो 100% इंक्रीज़ हो जाने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके फिर चेक करना है आपकी जो इंटरनेट स्पीड होगी वो 100% इंक्रीज हो जाने वाली है। तो इसके लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है एंड गाइस जैसे ही आप मोबाइल की सेटिंग को ओपन करते हैं तो इधर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कनेक्शन का, आपके मोबाइल पर यह ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कनेक्शंस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड इधर पर आपको मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस जैसे ही इधर पर आप क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको हो सकता है एपीएन का ऑप्शन देखने को मिले या फिर एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन आपके में देखने को मिल जाए। तो एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। अगर आप फर्स्ट पर यूज करते हैं तो फर्स्ट सेलेक्ट करिए, अगर आप सेकंड पर यूज करते हैं तो सेकंड सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरी फर्स्ट है जियो की सिम तो मैं फर्स्ट इधर पर सिलेक्ट करता हूं एंड सिंपल से आपको इधर पर करना क्या है, ये थ्री डॉट्स जो राइट साइड के ऊपर साइड पर देखने को मिलते हैं उस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड इधर पर आपको रीसेट टू डिफॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है एंड इधर पर आपको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या, जो आपकी ओल्ड एपीएन सेटिंग फालतू की सेट होगी वो रीसेट हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी इधर से। अब जो मैं न्यू एपीएन सेटिंग आपको बता रहा हूं उसको अब आपको सेट करना है, इसके लिए सिंपल से ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको नेम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस नेम पर आपको लिखना है जियो 4G स्पीड, तो मैं इधर पर जियो 4G स्पीड। अब मैं बताता हूँ इस पर आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, जो जियो रहेगा उसका जे जो रहेगा आपका वो कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। ये जे रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। जियो 4G स्पीड आपको लिखना है एंड सिंपल से ओके पर क्लिक कर देना है। इतना लिख लिया आपने नेम पर, फिर आपको APN का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस APN के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड इधर पर आपको लिखना है जियो 4G जियो। अब जियो का जे रहेगा जो वो आपका कैपिटल में रहेगा और स्मॉल रहेगा आई, मतलब इधर पर आपको IO स्मॉल में रहेगा और 4 का 4 ऐसे ही रहेगा और साथ में जी आपका कैपिटल में रहेगा। फिर आपको इसको ओके कर देना है, APN का ऑप्शन आपका सेट हो चुका। अब इधर पर आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको आपको नॉट सेट रहने देना है एंड पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको भी आपको नॉट सेट रहने देना है एंड इधर पर आपको यूजर नेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है एंड इस पर आपको डालना है जियो .4G.speed .4G.speed आपको इधर पर डालना है अपने यूजर नेम पर एंड इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और जितना भी यूजर नेम आप रहेगा आपका रहेगा वो सभी लेटर स्मॉल में आपको रखने हैं एंड इधर पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नॉट सेट रहने देना है एंड सर्वर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड www.google.com इधर पर आपको ऐड कर देना है एंड जैसे ही google.com इधर पर ऐड कर देते हैं इधर आपको MMS प्रॉक्सी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर पर आपको फिर ऑप्शन देखने को मिल जाता है MMSC का, इसको आपको नॉट सेट रहने देना है एंड MMS प्रॉक्सी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको भी आपको नॉट सेट रहने देना है एंड MMS पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको भी आपको नॉट सेट रहने देना है एंड इधर पर आपको MCC MNC को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये एरिया बाय कोड सिलेक्ट रहते हैं, तो इनको जैसे हैं वैसे रहने दीजिएगा। एंड गाइस इसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है एंड इधर पर आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है PAP और CHAP का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करते हैं इधर पर आपको APN टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है एंड इस पर आपको डिफॉल्ट सेट करना है, अगर आपके में कुछ नहीं है सेट इधर पर आपको डिफॉल्ट लिख देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना है एंड इधर पर आपको APN प्रोटोकॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है एंड इधर पर आपको IPv4 एंड IPv6 का ऑप्शन देखने को मिलता है थर्ड नंबर का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड APN रोमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड IPv4 IPv6 इस पर भी आपको इधर पर सेलेक्ट कर देना है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको देखना
देखने को मिल जाती है, इसको आपको ध्यान से देखना है। जो कि आपको बीआरआर के ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस बीआरआर के ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक करना है एंड फर्स्ट वाला सभी के में ये अप्लाई रहता है ऑप्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको हटा देना है एंड इधर पर आपको LTE रख देना है क्योंकि आपकी 4G सिम है, तो LTE आपको इधर पर सिलेक्ट करना है एंड ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब गाइस जो आपकी APN सेटिंग है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस इसको सेव करना है, इसके लिए सिंपल से आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड जैसे ही 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है एंड जो आपने न्यू APN सेटिंग बनाई थी वो आपकी सेव हो चुकी है एंड गाइस अब आपको वो जो न्यू APN सेटिंग बनाई है उसको आपको सिंपल से सिलेक्ट कर देना है। अब गाइस थोड़ा सा आपको वेट करना है एंड इसके बाद आपको अपने फोन को रिस्टार्ट कर देना है एंड इसके बाद आप अपने नेट को यूज करिए, फिर बताइए कि आपके नेट की स्पीड 100% इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइस इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने जियो सिम की इंटरनेट स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जो मेन सेटिंग्स होती हैं अपने फोन पर की जाती हैं इंटरनेट को फास्ट करने के लिए, वो यही सेटिंग्स होती हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है और मंथ के हिसाब से ये सेटिंग्स को आपको चेंज करते रहना चाहिए। और हर मंथ मैं आपको न्यू वीडियोज बनाकर देता हूँ हर मंथ की न्यू APN सेटिंग के बारे में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना कि कोई ऐसी कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और प्लीज वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स वॉचिंग गाइस।